उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बना भव्य श्री राम मंदिर अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से पहला अनुष्ठान शुरू हो गया। लगातार 7 दिनों तक होने वाले इस अनुष्ठान का आज बुधवार को दूसरा दिन है। आज दोपहर को लगभग 1:30 बजे के बाद जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बट्टू कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धनी पूजन, कलश यात्रा एवं भगवान श्री रामलला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण होगा। यह जानकारी वैदिक विद्वान आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मंगलवार 16 जनवरी को शुरू हो गया था। मंदिर न्यास के एक सदस्य और उनकी पत्नी की अगुवाई में इस दौरान कई अनुष्ठान हुए। मंगलवार से शुरू हुए अनुष्ठान नए मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होंगे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि अनुष्ठान शुरू हो गया है, 22 जनवरी तक जारी रहेगा। 11 पुजारी सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए अनुष्ठान कर रहे हैं। इस महीने की 22 तारीख तक चलने वाले अनुष्ठान में यजमान मंदिर न्यास के सदस्य अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा है। अनिल मिश्रा ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। आमतौर पर यजमान पूजा कार्यक्रम का मुख्य मेजबान का होता है। यजमान की ओर से ही प्रार्थना की जाती है। मिश्रा को सभी दिन अनुष्ठान में भाग लेना होगा, जिसमें 22 जनवरी का कार्यक्रम भी शामिल है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाना चाहिए। बलरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे राजभर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले राजभर ने नेताओं पर आरोप लगाया। दारू मुर्गा और पैसे देकर नेता वोट ले लेते हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया जाता। नेताओं ने सिर्फ जनता को गुमराह करके रखा है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विधायकों को 25-25 लाख रुपए लोगों के इलाज के लिए दिए हैं, लेकिन इस बात की लोगों को जानकारी नहीं है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली के बिल माफ होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अगर गुजरात, बिहार और पुडुचेरी में शराबबंदी हो सकती है, तो पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, सपा राज को गुंडा राज की संज्ञा दी जाती है, जबकि योगी राज में कानून व्यवस्था बेहतर है। यहाँ तक कि 7 वर्ष में एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि राज उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों तथा पूरे देश में 400 सीटें जीते गए हैं। अगली खबर, मणिपुर के मोरेह जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक सीनियर अधिकारी की मौत की खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने सीबीआई मोरेह के पास सुरक्षा बलों की एक चौकी पर बम फेंके और गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में सीमावर्ती शहर में राज्य बलों द्वारा 2 संदिग्धों की गिरफ्तार किए जाने की 48 घंटे बाद संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर गोलीबारी की। इससे पहले मणिपुर सरकार ने तेंगनोपल में शांति भंग होने, सार्वजनिक सद्भाव बिगड़ने और मानव जीवन एवं संपत्ति को गंभीर खतरे की आशंका संबंधी जानकारी मिलने के बाद 16 जनवरी को देर रात 12 बजे से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। तेंगनोपल के जिले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू कानून व्यवस्था लागू करने और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया कि इम्फाल पश्चिम जिले के कौथरुक गांव में ग्रामीण स्वयं सेवकों और संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच मंगलवार रात 2 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के इलाके में पहुंचने के बाद हमलावरों ने गोलीबारी बंद कर दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक संदिग्धों के कब्जे से अग्नियास्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों संदिग्धों को बिना शर्त रिहा किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने मोरेह पुलिस थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। कुकी एनपी तेंगनोपल चूरा चांदपुर जिले के इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम और कांगपोकी जिले की कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने दोनों की गिरफ्तारी की निंदा की है।
पुलिस ने उप संभागीय पुलिस अधिकारी सी आनंद की पिछले साल अक्टूबर में की गई हत्या मामले के दो मुख्य संदिग्धों को फिलिप खोंगसाई और हेमोखोलाल माते को गिरफ्तार किया था। दोनों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहनों पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि बाद में दोनों को मोरेह के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया। अगली खबर, एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, तो वहीं कोहरे ने रेल, हवाई, सड़क यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने घने कोहरे के चलते उड़ानों में देरी को लेकर एक नई सूचना दी है। प्रशासन के अनुसार घने कोहरे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लगभग 120 उड़ानें प्रभावित हुई हैं और कुल 53 उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा राजधानी में विजिबिलिटी कम होने के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो कई रद्द कर दी गई हैं। कोहरे के कारण ज्यादातर ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। मंगलवार को रानी कमलापति, हजरत निजामुद्दीन, वंदे भारत और हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सहित लगभग 30 ट्रेनें देरी से चली, जिससे कई यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फंस गए। इनमें ज्यादातर ट्रेनें 6 से ज्यादा घंटे लेट थी। धन्यवाद।